की वेलकम बैक टू दोस्तों एक टाइम होता था जब कश्मीर जाने से पहले हम लोग कई बार सोचते थे क्या कश्मीर सेफ है क्या इस मौसम में कश्मीर जाना चाहिए कहीं जाएं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए लेकिन वो सब बीते दिन की बातें हो चुकी हैं और आज इस साल 2020 के दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कोई फेवरेट ट्रेवल डेस्टिनेशन रहा है हिमाचल के बाद वो कश्मीर रहा है सबसे ज्यादा फुटफॉल हुई है कश्मीर में इससे पता लगता है कि लोगों के बीच में डर तो पूरी तरह से गायब हो गया और इस साल कश्मीर में इतना ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है कि पिछले 20 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए और इसका जो बर्फ़बारी का जो जमावट है वो लगभग आपका अप्रैल तक रहेगा और जब कश्मीर आप जाते हैं जो मैं आगे आपको पैकेज बताना ही आ रहा हूँ इस वीडियो में तो आप श्रीनगर घूमते हैं गुलमर्ग घूमते हैं पहलगाम घूमते हैं सोनमर्ग घूमते हैं इन चार फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन पर आप जाते हैं बहुत ही कम दामों में आपको वाई भारत चैनल की तरफ से ये पैकेज ट्रैवल पार्टनर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बुक करने के लिए हमेशा की तरह वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो मैं ट्रैवल कंपनी का नंबर दे रहा हूं उससे जानकारी हासिल करके आप पैकेज को बुक करवा सकते हैं मुझसे कुछ सलाह करना चाहते हैं कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके वीडियो में तुरंत पूछ लीजिए इसके साथ साथ वाईटी भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए ना रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है जाके अभी क्लिक करें साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाए ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले जो फ्यूचर के वीडियो हैं ट्रैवल के उसको आप देख पाए पुराने तीन से ज्यादा ट्रैवल वीडियो देखने के लिए यहाँ देखिए वाई टी बिना स्पेस के भारत को क्लिक करके आप यूट्यूब सर्च बॉक्स में वाई टी भारत के सारे वीडियोस को एक्सप्लोर कर लीजिए और अपने ज्ञान को इन सारे इंडिया के और अब्रॉड के ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में भरपूर बढ़ा लीजिए और ट्रैवल जो अभी कोविड की वजह से रुका हुआ था उसको आप कंटिन्यू करिए ताकि हमारे देश की जो ट्रैवल कंपनीज इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकें उनको आप सहायता प्रदान कीजिए बाहर किसी भी कंट्री में ना जाएं इंडिया का ही लोकल होकर के इंडिया में ही ट्रैवल करें ये वाइटी भारत का सबसे बड़ा मोटिव है आप लोगों के लिए इंडिया ही सेवा परमोधर्म दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही गजब के कश्मीर समर ट्रेवल पैकेज का आज का ये वीडियो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में आइए दोस्तों आप आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और आपको मैं कश्मीर का फोर नाइट फाइव डेज का ये जबरदस्त पैकेज बताने वाला हूं जिसमें आप कश्मीर के वो सारे जन्नत वाले प्लेस पे घूमेंगे जो आप हमेशा से घूमने चाहते थे आप जाएंगे श्रीनगर गुलमर्ग सोनमर्ग पहलगाम फोर नाइट फाइव डेज के पैकेज में आप जाएंगे लेकिन पैकेज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी कॉस्ट जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो बताना चाहता हूँ आप इसे देख लीजिए फोर नाइट के श्रीनगर के पैकेज में जो श्रीनगर से स्टार्ट होगा दो पर्सन अगर आपके होते हैं बजट कैटेगरी में आपको एट्टी फाइव हंड्रेड पे करने पड़ेंगे चार लोग अगर आप साथ में जाते हैं तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड छः लोग जाते हैं तो सिक्स थाउजेंड और किसी भी इन कैटेगरी में अगर एक भी व्यक्ति आपके साथ एक्स्ट्रा होता है अपार्ट फ्रॉम फाइव ईयर से बिलो चाइल्ड का कोई भी व्यक्ति तो आपको एक्स्ट्रा पैक्स चार हजार रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों अगर आप स्टैंडर्ड कैटेगरी लेते हैं तो ये चार्जेस हैं डिलक्स लेते हैं तो ये चार्जेस हैं सुपर डिलक्स लेते हैं तो ये चार्जेस हैं किसी भी कैटेगरी को आप चूज कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों में कश्मीर का ये समर पैकेज बुक करवा सकते हैं आपको मैं एक चीज़ जानकारी देता हूं कि कभी भी समर वैकेशन के अंदर अगर आप पैकेज को कंपेयर करेंगे तो नॉन समर वेकेशन यानी कि नॉन सीज़न के रेट से हमेशा एक कुछ ज़्यादा मिलेगा लेकिन बाई भारत के स्पेशल व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए हमने बस लगभग हज़ार रुपये की कॉस्ट ही यहाँ पे इंक्रीज़ करी है पुराने नॉन सीज़न रेट से इसलिए आप इस पैकेज को बुक कराइए और घूम करके के होकर के आइए धरती के स्वर्ग कश्मीर में आइए दोस्तों अब आपको डिवाइस आइटनी बताना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर नाइट फाइव डेज के इस पैकेज में आप श्रीनगर पहुंचते हैं वहां से पैकेज स्टार्ट होगा उसके बाद ड्राइवर आपको एयरपोर्ट के बाहर से पिकअप कर लेगा और पिकअप करके आपको श्रीनगर के होटल में ले जाएगा जहां पर आप चेक इन करेंगे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे मुगल गार्डन के हाफ डे के टूर पर और टूर करके वापस जब आप आएंगे तो ओवरनाइट स्टे करेंगे श्रीनगर के इस होटल में दोस्तों आप इस जो मैंने मुगल गार्डन बताया इस मुगल गार्डन में क्या क्या प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसमें आपको निशन द गार्डन ऑफ डिलाइट शालीमार द गार्डन ऑफ लव चशमाशाही द रॉयल स्प्रिंग जैसे स्थान घूमने को मिलेंगे एक्चुअली में क्या है कि श्रीनगर का ये जो गार्डन है मुगल गार्डन वो दिल्ली के मुगल गार्डन से भी बहुत अच्छा है एक बार आप जाएंगे वहां से व्यू एक तो बहुत अच्छा है चारों तरफ से पहाड़ियों से गिरा हुआ है स्नो अगर पड़ रही हो आसपास तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है एक बार ज़रूर घूम कर के आइए डे टू की बात कर लेते हैं स्टार्ट करते हैं डे टू कहाँ से स्टार्ट होगा आपका डे टू में आप श्रीनगर से स्टार्ट करेंगे गुलमर्ग जाएंगे और वापस राम रात को आप श्रीनगर वापस लौट जाएंगे फुल डे का इस टूर में आप ओवरनाइट स्टे करेंगे वापस आकर के श्रीनगर के होटल में अब आगे बात करते हैं द मिडोज़ ऑफ़ फ्लावर्स छप्पन किलोमीटर है गुलमर्ग श्रीनगर से छब्बीस सौ मीटर की ऊंचाई पर है इसको हम जानते हैं गुलमर्ग को फेमस फॉर विंटर स्पोर्ट्स और गंडोला केबल कार राइड की वजह से अब आपकी बात कर लेते हैं डे थ्री के बारे में डे थ्री पर आप निकलेंगे सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रीनगर से पहलगाम अब वापस श्रीनगर आएंगे फुल डे का ये टूर होने वाला है ये लगभग आपका पंचानवे किलोमीटर की जर्नी होगी जो ईस्ट ऑफ श्रीनगर से है लगभग 2400 सौ मीटर्स अबव है फ्रॉम सी लेवल से इट इज़ कॉल शेफर्ड वैली के नाम से भी जाना जाता है द रिज़ॉर्ट ये जो श्रीनगर पहलगाम रिजॉर्ट है इज सराउंडेड बाय मेनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट लाइक बैसरान बेताब वैली चंदनवाड़ी एंड आड़ू अब बात कर लेते हैं डे फोर के बारे में श्रीनगर से आप सोनमर्ग जाएंगे और वापस रात को श्रीनगर पहुंचेंगे फुल डे के स्टूर में 87 किलोमीटर की जर्नी होगी 2800 मीटर अबव है सोनमर्ग सी लेवल से इसे हम गोल्डन मिडो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ये सारा सफर बहुत ही मनोरंजक होने वाला है कैन मानिए उसके बाद डे फाइव पर आप डिपार्चर करेंगे श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए इसके लिए सबसे पहले आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको ड्राइवर ड्रॉप कर देगा श्रीनगर एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन जो भी आप चूज़ करते हैं होटल मैंने आपको बताई दिए एक बार फिर से आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लीजिए और एट्टी फाइव में कम से कम दो लोगों का ये पैकेज बुक करवा लीजिए पाँच साल से कम के बच्चों का कोई भी चार्ज नहीं है सिर्फ आपको एयर फेयर अगर आप जाते हैं तो वही आपको पे करना पड़ेगा अब बात करते हैं होटल हम कौन सा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस पैकेज में श्रीनगर के अंदर आपको होटल बजट में बुर्ज आपको मिलेगा स्टैंडर्ड में ट्राइड एंड रिजॉर्ट या सिमिलर। में होटल शिफाफ होटल रीगल या ऐसे सिमिलर सुपर डिलक्स में होटल रॉयल बट्टू ग्रैंड केसर होटल विक्ट्री या इससे सिमिलर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस पैकेज की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप ये इसमें इंक्लूडेड है आपको ड्यूरिंग द जो भी आपका फोर नाइट का पैकेज है उसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर मिलेगा लंच इसलिए नहीं मिलता है कि लंच टाइम पर आप बाहर होते हैं होटल में नहीं होते इसलिए वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा वेज एंड नॉन वेज मील दोनों ही आपकी चॉइस पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे शिकारा राइड आप खुद कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपको बताया गया है वो सब कुछ इसमें मिलेगा अब आगे आपको बताते हैं क्या क्या इसमें एक्सक्लूडेड है एयर फेयर ट्रेन फेयर एक्सक्लूडेड है कोई भी मील जो ऊपर बताया नहीं गया वो एक्सक्लूडेड है किसी भी प्रकार का पर्सनल एक्सपेंस टेलीफोन कॉल लॉन्ड्री लिकर वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है अदर कोई भी आइटम जो टूर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं है वो आपको पे करना पड़ेगा गाइड एंड एंट्रेंस फीस ड्यूरिंग साइट्स आपको पे करना पड़ेगा पोनी राइड भी आपको पे करना पड़ेगा इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं गंडोला राइड गुलमर्ग के अंदर वो सब कुछ आपको अपनी कॉस्ट पर ही बियर करना पड़ेगा उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और इस पैकेज को आप जरूर बुक करवाएंगे इन सारी जानकारी को एक बार फिर से लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्रैवल कंपनी के नंबर पे कॉल करिए पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इस पैकेज को बुक करवा लीजिए और समर्स में जरूर होकर के आइए आप कश्मीर धरती के स्वर्ग पर एक बार जाएंगे तो हमेशा दूसरों को भी जाने की सलाह देंगे मिलते हैं वाई भारत के इस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों जय हिंद जय भारत सब्सक्राइब कीजिए वाई भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री